हेलो दोस्तों, इस होली के त्यौहार पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी दही बड़े, जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है और घंटों तक रसोई में खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए ना तो आपको रात भर दाल भिगोने की जरूरत है और ना ही आपको घंटों तक रसोई में खड़े होने की। तो चलिए बनाते हैं दही बड़े। मैंने इसमें सिर्फ मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है और गर्म पानी में सिर्फ आधे घंटे तक ही भिगो कर रखा था। मैंने दाल का पानी निकाल लिया, मिक्सी के गिलास में डालकर इसको अच्छे से पीस लूंगी। मैंने यहाँ एक कप मूंग की दाल का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ आधी मूंग की दाल और आधी उड़द की दाल भी ले सकते हैं। मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है। हमारा बैटर एकदम स्मूथ और थिक होना चाहिए, ये ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ऐसे ही मैंने सारा बैटर तैयार कर लिया है और एक बाउल में निकाल लिया है। मैं सारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने थोड़ा सा सोडा लिया है, आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है, स्वाद अनुसार नमक। अब इस बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट हमें इसे एक ही डायरेक्शन में चलाना है। देखिए मेरा बैटर तैयार हो गया है। यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है। तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही रखना है। अब हम धीरे धीरे करके इसमें बैटर डालेंगे। हमें एक ही बार में काफ़ी सारे बड़े बना लेने हैं। ये देखिए मेरे एक ही बार में 10 से 15 बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ गुनगुना पानी लिया है, उसमें 2 चम्मच नमक ऐड किया है। अब हम इसमें बड़े ऐड करेंगे। हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक भिगोकर रखना है। आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा गर्म ना हो। अगर पानी ज़्यादा गर्म हुआ तो ये पानी में ही फट जाएंगे। मैंने यहाँ 2 कप दही ली है और 2 से 3 चम्मच चीनी ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने वड़ों को 10 मिनट तक ढककर साइड में रख दिया था। ये देखिए वड़ों ने पानी अच्छे से सोख लिया है, ये फूल कर ऊपर आ चुके हैं। चलिए सर्व की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ वड़ों को अच्छे से निचोड़ कर दही में डाल दिया है। आप वड़ों को हल्के हाथ से ही निचोड़े वरना वो फूट कर खराब हो जाएंगे। मैंने यहाँ 6 से 7 वड़े दही में डाल दिए हैं। चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। एक एक करके वड़ों को प्लेट में रखेंगे। देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे वड़े बनाए थे और ये फूलकर कितने मोटे हो गए हैं। मैंने यहाँ सारे वड़े प्लेट में निकाल लिए हैं, ऊपर से दही ऐड की है। ये जो मैंने इसके ऊपर दही ऐड की है, इसमें चीनी मिक्स नहीं थी। इसके ऊपर हम हरी चटनी ऐड करेंगे धीरे धीरे करके एक एक वड़े पर। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दिखने में भी। अब हम यहाँ लाल चटनी ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से हरी और लाल चटनी डाल सकते हैं, जैसा आपको खाना पसंद हो, तीखा या मीठा। मुझे ज़्यादा मीठे पसंद है इसलिए मैंने लाल चटनी का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और इसके ऊपर चाट मसाला। ये देखिए बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इसके ऊपर आलू भुजिया डाली है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए 15 मिनट में दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, एकदम स्पंजी और खाने में तो एकदम लाजवाब। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें।